नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईपीएल सीजन 15 का आगाज जल्दी होने वाला है, जिसके लिए सभी फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीम भी बना ली है। लेकिन 15वें सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी को तगड़ा झटका लगा है। आईपीएल ऑक्शन के ठीक बाद टीम के असिस्टेंट कोच साइमन कैटिज ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैटिज ने अपना इस्तीफा आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के बाद ही फ्रेंचाइजी को सौंप दिया था। कैटिज हाल ही में बेंगलुरु में हुए 2 दिन के नीलामी में पूर्व निर्धारित योजना को दरकिनार करने से बेहद आहत थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि हैदराबाद के असिस्टेंट कोच साइमन कैटिज ऑक्शन के दौरान टीम की रणनीति से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि अभी इस मामले पर सब कुछ साफ नहीं हुआ है। खबरों की माने तो साइमन ऑक्शन में कुछ खिलाड़ियों के खरीदे जाने पर भी असहमति जता चुके थे। वहीं वो ऑस्ट्रेलियाई धाकड़ बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को ऑरेंज आर्मी द्वारा ना खरीदे जाने से आहत थे। साइमन कैटिज ने हाल ही में हैदराबाद के असिस्टेंट कोच का पद संभाला था। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऑक्शन में कुल 20 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया। बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पिछले सीजन से ही ऐसे विवादों में नजर आई है। साल 2021 के दौरान उन्होंने अचानक ही डेविड वॉर्नर को कप्तानी से हटा दिया था, जिसके बाद इस विस्फोटक बल्लेबाज को प्लेइंग 11 तक में शामिल नहीं किया गया। आईपीएल का वो सीजन टीम के लिए बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा था। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 मुकाबले खेले थे, जिसमें से केवल 3 मुकाबलों में ही जीत मिली थी और पॉइंट टेबल में सबसे नीचे 8वें पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ही थी। पिछले सीजन से लेकर अब तक ट्रेवर बेलिस और ब्रैड हेडिन भी अपना पद छोड़ चुके हैं। टॉम मूडी इस सीजन में हैदराबाद टीम के कोच का पद संभालेंगे तो केन विलियमसन को इस सीजन में भी टीम की कमान मिलेगी। डेविड वॉर्नर को पिछले सीजन टीम की कप्तानी से हटाकर केन विलियमसन के हाथों में कमान दे दी गई थी। हैदराबाद ने इस सीजन के लिए केन विलियमसन, अब्दुल समद और उमरान मलिक को रिटेन किया है। वहीं मेगा ऑक्शन में एडम मार्कम, मार्को जैक्सन, निकोलस पुरन, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों को भी खरीदा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।